दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूँ जिशान आजमी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। इस समय मौजूद है आरोड़ी में, जहाँ पर सभी ने जुल्फिकार जज की तरफ से यहाँ पर डस्टबिन सभी लगाई गई है, जहाँ पर इमाम हुसैन की याद में यहाँ पर गम मनाया जाता है, मर्सिया सूर सलाम मातम किया जाता है। ये सभी हर साल यहाँ पर लगाई जाती है, चौदह कर्बला की याद में, यासों की याद में सलाम पढ़ा जाता है। एक शख्स ने सलाम पढ़ रहा था, उसका मिसरा ऐसा था कि लहू जिसने दिया इस्लाम को अपनी जवानी का, वो हम चले पैगंबर अली अकबर याद आते हैं। और एक शख्स सलाम मर्सिया पढ़ रहा था, जिसने ये बताया कि किस शिद्दत से बीबी सकीना को उससे तमाचे मारे, उसका हाथ बड़ा था और बीबी सकीना का चेहरा छोटा था। तो आइए बात करते हैं सभी के सुल्फिकार के वसीम रिजवी से, और जानते हैं कब से यहाँ पर वो सबीन लगा रहे हैं, कब से यहाँ पर मर्सिया वादन किया जा रहा है। मैं काशिफ कर आप देख रहे हैं काशिफ के, हमारे सहयोगी चैनल है 24 नंबर के हरोली गांव में, और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के सभी जुल्फिकार के वसीम रिजवी साहब, जो कि यहाँ सभी जुल्फिकार जो है ये सबीन लगा रहे हैं। और जो भी यहाँ से गुजरता है उसका पानी, कोई शरबत, कोल्ड ड्रिंक, यहाँ से चाहे कोई भी किसी भी धर्म का हो, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, और हकीकत बात है कि इमाम हुसैन जो है सबके हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो शिया हो, किसी के भी हो, सबके इमाम हुसैन है। जो इंसानियत रखता है वो इमाम हुसैन को मानता है। और एक शायर ने भी कहा, एक हिंदू शायर ने कहा है, कहता हुआ जन्नत में चला जाएगा माथुर, शब्बीर के कदमों के निशान ढूंढ रहा हूँ। क्योंकि वो एक हिंदू होने के बावजूद भी, लेकिन उसके अंदर इमाम हुसैन की जो मोहब्बत है वो हर धर्म में, चाहे ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो कैथलिक हैं, धर्म से अलग हैं, लेकिन वो इमाम हुसैन के शहदाई है, इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। और हमारे साथ मौजूद है वसीम भाई। वसीम भाई, आप ये सभी लोग कब से लगा रहे हैं, हमारे दर्शन बताइए। ये हम लोग सभी जो है 2019 से लगा रहे हैं, ये हमारा पांचवा साल है, और इन शाला हर साल की तरह हम लोग जो है और जितने भी लोग जो यहाँ पे हमारे साथ हैं, हमारे साथ लोग साथ सब लोगों के साथ और सबके साथ में जो कि काम मिला है, ये सब भाइयों की मोहब्बत उनके साथ आज तक जो है सब लोगों की। यहाँ पर मैंने देखा कि आप हर धर्म का इंसान आके यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक जो भी आपका जो भी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक है, चाय है, शरबत है, सब हर धर्म का आदमी ले जा सकता है, क्या वजह है? ये इमाम हुसैन की सदी है, इसमें कोई रिलीजियस की बंदिश नहीं है। मोस्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ पर जो है, हमारे जो सर्कल के दोस्त हैं जो नॉन मुस्लिम है, वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, वो भी इवन बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हमारा साथ देते हैं। और प्रशासन से भी हमको बहुत जो उम्मीदें थी वो खरा उतरे वो लोग। हमको बीएमसी ने, जैसे आपको तो पता है, बीएमसी ने हमारे जो 5000 हम जो अथॉरिटी जमा करते थे वो बीएमसी ने माफ़ किया। पुलिस ने भी हमारे को फुल कोऑपरेट किया, हम मीटिंग में बुला के हमको सब गाइडलाइंस दी, सब समझाया। उसके हिसाब से हम जो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो जो उन्होंने हमको बताया गाइडलाइन के ऊपर हम उतरे हैं, और उनको अभी तक के हमने पॉजिटिव सब चीज़ें दी है, आगे भी इंशाल्लाह हम कुछ पॉजिटिव हम करते हैं। ये जो शिया हजरात जो मातम करते हैं, वो इमाम हुसैन यानी रसूल अल्लाह के जो नवासे हैं इमाम हुसैन, उनके लिए रोते हैं, मातम करते हैं, क्योंकि उनको करबला में अपने 6 महीने के बच्चे के साथ तबाह कर दिया गया, 3 दिन का भूखो प्यास से उनको कत्ल कर दिया गया, यानी जुल्म की कोई इंतहा नहीं बची जो वहाँ नहीं हुई है। और किसी को उस वक्त इतना जुल्म किया था कि ना रोने का मौका दिया गया, ना मातम करने का उनको मौका मिला। तो उनकी वही याद हम लोग मनाते हैं, हमारे इसी अंदाज से जो वहाँ मातम और समा करके करते हैं। मैंने बताया कि आप इसके अलावा किस तरीके से करते हैं और क्या क्या चीज़ें करते हैं, हमारे बच्चों को बता दें।
हम यहाँ पर जो है पहले नौसिया होता है, हदीस किस्सा होता है, नौहा मातम होता है, मुनाजातें होती है, और जो यहाँ पर जो तबरुकात है वो बनाए रखे हैं। अंदर हमने जिंदान बनाया है ज्यारत करने के लिए, लोगों के बेगम हुसैन की बेटी जिंदान में जो कैद खाने के अंदर जिनकी वफात हुई थी उनका जिंदान बनाया सभी है अंदर। और अभी 4 मुहर्रम के दिन सबे 5 को हम यहाँ पर खानों मोहम्मद का ताबूत रखेंगे, उसमें जो दुर्गना निकालेंगे हमें दुर्गना रखा हुआ है, दुर्गना जो है वो रखा हुआ जाएगा खानों मोहम्मद के ताबूत करेंगे। इस तरीके से 72 में से थोड़ा सा पूरा बताइए कितने एज के लोग थे उसके अंदर जो है 72 इमाम हुसैन ने जो बच्चे जो कि नीचे से काम करें उसके अंदर 49 जो है सिर्फ बच्चे थे और बाकी जवान और बुजुर्ग थे और औरतें थे। करबला में जब शहीद हो गए, शहीद होने के बाद जो बच्चे थे उनको ऊँट के ऊपर बिठा के जो 1600 किलोमीटर का सफर था तय किया गया, जिसमें बच्चे जो है गिर गिर के वहीं पे जिनका दम निकल गया उनको वहीं पे रास्ते में दफनाते गए, लोग छोड़ते गए थे। तो 72 शहीदों में जब 49 बच्चे थे वो कुछ औरतें थे और 1700 से लोग जो है वो वापस आए थे, जिसमें औरतें और एक ही मर्द थे जो आज के दिन सर चल रहा है। जुल्म करने वाले किया, देखिए जुल्म करने वाले का कोई धर्म नहीं था, उनको सिर्फ रसूल अल्लाह के भाई मौला अली मुश्किल की तरह से जो दुश्मनी थी बैर थी तो उसके वजह से करबला लिखी थी, करबला को जो उन्होंने अंजाम दिया। अब तारीख में जो बहुत सी चीज़ें बताई है और लोगों को माशाल्लाह पता चल भी रहा है कि हकीकत करबला क्या है, लोगों को बताई क्या है, न्यू जनरेशन जो है एजुकेट है, उन्होंने बहुत सी चीज़ों पे ध्यान दिया है, रिसर्च किया है, उनको पता चला है करबला क्यों। वसीम भाई, इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पर बैत क्यों नहीं की, क्या वजह थी? वजह ये थी कि यजीद जो था वो शराब पीता था और यजीद जो था अपनी पैसे बताएं आपको बहुत बेशर्मी वाली बात है, उसने अपनी सौतेली माँ से निकाह किया था, उसने जो हर फेल जो है इस्लाम में जायज़ नहीं है वो चीज़ को उसने अंजाम दिया था। तो यही चीज़ की मुखालफत थी जो इमाम हुसैन ने अपना दीन बताने के लिए आए और उसने वो चीज़ पे बैत करने को कहा, इमाम हुसैन ने हक का साथ दे के उसकी बैत नहीं की और यजीद को उसके हाल पे आज आप देख रहे हैं क्या हाल है। जब यजीद का सिर्फ नाम आता है तो लानतुल्लाह नाम के साथ उसका नाम आता है और नाम नहीं आता, और जब इमाम हुसैन का नाम आता है तो सलामुल्लाह अलैहा का नाम से आता है। उनका मकसद इस्लाम को बचाना था इमाम हुसैन, बस इमाम हुसैन को अपने नाना का दीन बचाना था जो उन्होंने मुकम्मल बचाया। और आप माशाल्लाह देख रहे हो आज जो करबला में करोड़ों में लोग जा रहे हैं, करोड़ों की तादाद में लोग जायरीन पहुँचते हैं और मौला की ज्यारत को कबूल करते हैं। यजीद का कोई ना नाम निशान है ना अपनी औलादों का कोई नाम यजीद का निशान है। बहुत बहुत शुक्रिया। सब करबला वाले 72 याद आते जब करबला वाले 72 याद आते हैं, तड़प जाता है दिल कुछ ऐसे मंजर याद आते हैं। हमें जब करबला तो आ जाओ शहंशाह-ए-वफ़ा।
हम